अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो अक्रॉस एंड ओवर के डिफरेंस पे है। अक्रॉस को हम कहाँ यूज़ करते हैं एंड ओवर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंस इनका बताऊँगी। वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अक्रॉस और ओवर दोनों को हम एक जैसे मेनू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फ़र्क है। दोनों को पर या दूसरी तरफ के मेनू में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, मैं सड़क के दूसरी तरफ गया, आई वॉक्ड ओवर अक्रॉस द रोड। इसको इस सेंटेंस में दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। कमरा बरामदे की दूसरी तरफ है, द रूम जस्ट ओवर अक्रॉस द कॉरिडोर। इस सेंटेंस में भी हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी पर या इससे ऊपर हो, ओवर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पानी में से के लिए क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। मसलन, उसने तैर कर दरिया अबूर किया, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। ओवर और अक्रॉस दोनों का मतलब किसी चीज़ के दूसरी तरफ होना है, बाढ़, जंगला, दीवार या पहाड़ी सिलसिला वगैरह। लेकिन अगर किसी बुलंद चीज़ के साथ हरकत के लिए सिर्फ ओवर लगाते हैं, कुत्ता दीवार के दूसरी तरफ है, द डॉग इज़ ओवर अक्रॉस द वॉल। वो दीवार पर चढ़ रहा था, ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। इस सेंटेंस में हम अक्रॉस नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी एरिया के अंदर हरकत को जाहिर करना हो तो आप अक्रॉस या ओवर लगा सकते हैं। मसलन, लोग मैदान में घूम फिर रहे हैं, पीपल आर वंडरिंग ओवर अक्रॉस द फील्ड। ताहम जब एक इलाके के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ का मतलब हो तो सिर्फ अक्रॉस लगाते हैं। मसलन, वो सहरा में से पैदल गुजरा, ही वॉक्ड अक्रॉस द डेजर्ट। कमरे के दूसरी तरफ चले जाओ, गो अक्रॉस द रूम। तो ये था आज थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।